जनाब शाहिद हामिद साहब को हमने ज़हमत दी आज इसी मौजू पर बात करने के। गवर्नर भी रह चुके हैं, कानून को भी समझते हैं, इन मामलों पर गहरी नज़र भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब हैं, आप सुन पा रहे हैं जी हमें? वालेकुम सलाम शामी साहब। शाहिद साहब ये बताइए कि जो आज पंजाब असम्बली के दो इजलास हुए हैं, तो अगर आप उनको देखें तो किस इजलास में बैठना पसंद करेंगे आप, या कौन सा इजलास जो है असम्बली का इजलास था और कौन सा इजलास पार्टी का इजलास था? आईनी और कानूनी इजलास कौन सा यानी करार पाएगा आपकी नज़र में? शामी साहब आपके सामने आईन की कॉपी है। आईन की आप शिक 109 देखें, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जी ठीक है जी। उसमें ये दर्ज है, द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द प्रोविंशियल असेंबली to meet at such time and place as he thinks fit and prorogue the provincial assembly. तो ये तो गवर्नर साहब का आईनी इख्तियार है और वो कहीं भी वो ये जरूरी नहीं कि असेंबली चेंबर में ये इजलास हो। और आपको याद होगा कि गालबन कोविड के जमाने ये जो क्योंकि असेंबली बंद थी, असेंबली चेंबर्स बंद थे, तो ये गालबन जो इजलास थे वो फ्लैटिस होटल में हो रहे जी होते रहे। और चौधरी परवेज अल्लाही साहब ने इजलास की सदारत की थी वहाँ फ्लैटिस में। तो इसलिए ये गवर्नर ने जो ये ऑर्डर जारी किया कि जी जो इजलास है वो ऐवान इकबाल में होगा, तो ये तो उनके इख्तियार में है। तो गोया जो इजलास है, जो इजलास जारी था, गवर्नर ने उसको बर्खास्त कर दिया और फिर नए इजलास को तलब कर लिया। 40वें इजलास जारी था ना, वो इजलास इसका मतलब है बर्खास्त समझा जाएगा जो चौधरी परवेज अल्लाह साहब की सदारत में हुआ, और जो इजलास डिप्टी स्पीकर की सदारत में हुआ उसे इजलास समझा जाएगा। जी वो यही मैं कहने लगा था कि जो प्रोरोग का इख्तियार है ना वो गवर्नर साहब का है, वो चौधरी परवेज अल्लाह साहब या स्पीकर का ये इख्तियार नहीं है। स्पीकर का जो इख्तियार है वो है टू एडजर्न द असेंबली, यानी कि किसी दिन अगर जो भी कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तो मुल्तवी कर सकते हैं, मुल्तवी कर सकते हैं। और ये जो इख्तियार है मुल्तवी करने का, वो जो असेंबली के रूल्स हैं वो रूल नंबर 25 है। लेकिन ये बड़ी अहम आपने बात की कि स्पीकर एडजर्न कर सकते हैं। स्पीकर ने तो 40वां इजलास जो जारी था कल तक, जी, उसको उन्होंने एडजर्न नहीं किया बल्कि उसको कंटिन्यू किया है, एडजर्न किया, खत्म किया है ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर ने। ये एक पेचीदा सूरत हाल है, इसकी क्या फिर तशरीह होगी? वो प्रोरोग जो वो अगर गवर्नर साहब ये ऑर्डर जारी कर दें या वफाकी सतह पर अगर प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर जारी कर दें कि जी मैं इजलास प्रोरोग कर रहा हूँ, तो स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो ना माने कि नहीं जी मैं ये इख्तियार ये इस्तेमाल ये जो ऑर्डर है इसको मैं नहीं मानता। खाली एक सूरत है जब इस तरह की बात हो सकती है, वो तब के अगर एक रिक्विजिशन सेशन है, यानी कि जो असेंबली की पंजाब असेंबली की तादाद 371 उसके अगर 1/4 हिस्सा मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन कितने बनते हैं, जितने भी बनते हैं 87, 88 या 93 बनते हैं, तो अगर वो रिक्विजिशन करें सेशन, और रिक्विजिशन सेशन का जो इख्तियार है वो फिर स्पीकर के पास है, वही प्रोरोग कर सकता है। मगर यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं है, यहाँ तो गवर्नर साहब ने ऑर्डर जारी किया कि जी ये सेशन प्रोरोग हो गया, और फिर एक नया ऑर्डर जारी किया समन की असेंबली के जी आप अवाने इकबाल में मिले। अच्छा सर, इसमें राजा बशारत जो हैं वो ये कहते हैं कि एक तो स्पीकर ने इजलास एडजर्न नहीं किया था, इजलास जारी था, और फिर जब इजलास जारी हो तलब किया गया हो तो उस सूरत में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता ऐसा कोई भी। ऑर्डिनेंस को तो अपनी जगह छोड़े, मेरे ख्याल में ऑर्डिनेंस की जरूरत मेरी नजर में तो ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं थी, वो इतना ही काफी था कि गवर्नर साहब का जो इख्तियार है ना जी 109 जी। वो सब्जेक्ट है टू 105 जो इख्तियार वो इस्तेमाल करते हैं, इट इज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो सूबाई काबीना है
या वजीर आला है उनके मशवरे पर 109 के तहत वो ऑर्डर जारी करते हैं समनिंग दी असेंबली। तो अगर इतना ही काफी था कि अगर वजीर आला गवर्नर साहब को एडवाइस कर देते कि जी ये इजलास आप प्ररोक कर दें और नया इजलास तलब करें फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बजट, तो इतना ही काफी था। ऑर्डिनेंस तो खैर वो देखी जाएगी, ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल में किसी ना किसी स्टेज पर हाईकोर्ट में पेश होगा। शासन ये बताए मुझे, जब बजट इजलास तलब कर लिया जाता है तो फिर उसमें कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती उस दौरान में? उस कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती जी, वो है असेंबली रूल्स का शिक है 114 में गवर्नर साहब समन करते हैं असेंबली बजट को बजट पेश होने के लिए। तो वो जब वजीरे आला वजीरे फाइनेंस मिनिस्टर जब पेश करते हैं बजट तो उस दिन और कोई कार्रवाई नहीं होती मां सिवाय के जी वो बजट असेंबली के सामने पेश। मगर जो बजट इजलास चंद रोज पहले गवर्नर ने बुलाया था और जिसमें बजट पेश नहीं हो सका और जिसमें ये शर्त लगा दी गई कि स्पीकर की तरफ से आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएंगे और पेश होंगे तो तब बजट पेश हो सकेगा वगरना नहीं हो सकेगा। तो आपके ख्याल में ये जो शर्त है ये उसकी कोई आईन में गुंजाइश नहीं थी? मेरा भी ख्याल कि कोई ऐसी गुंजाइश थी कि जी वो इस पर वो बजिद हो जाते कि जी जब तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पेश नहीं होंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो मैं बजट पेश नहीं होने दूंगा। तो इस सूरत हाल में फिर यही सवाल पैदा होता है कि हुकूमत क्या करती या गवर्नर साहब क्या करते हैं इस सूरत हाल में। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि अच्छा फिर मैं वो जो इजलास है वो मैं प्ररोक कर देता हूँ और एक नया इजलास तलब कर देता हूँ। इस पर अगर परवेज अलाई साहब चाहते तो वो ऐवान इकबाल पेश हो सकते थे, वहां जा सकते थे और कह सकते थे कि अच्छा यहाँ बुलाया तो मैं आ गया हूँ, मैं प्रिजाइड करूंगा। मगर उन्होंने और ये जो है ये जो शिक है ना ये रूल्स की वो है रूल 14 जिसमें ये दर्ज है कि स्पीकर विल प्रिजाइड एट एवरी सिटिंग और डिप्टी स्पीकर का भी जिक्र है वो सब रूल 5 है रूल 14 का, वो तब कि अगर स्पीकर ना आए या ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर सकता है। तो मेरे ख्याल में लेकिन यहाँ पे स्पीकर साहब और ऑपोजिशन दोनों उस ऐवान इकबाल में जा सकते थे और वहां के इजलास में शरीक हो सकते थे, बल्कि उसको हाईजैक कर सकते थे। हाईजैक भी कर सकते थे, हो सकता है कि इसी वजह से गवर्नर साहब ने ये मुनासिब समझा कि मैं ऑर्डिनेंस जारी कर देता हूँ कि स्पीकर का जो ये इख्तियार है अंडर रूल 14 वही मैं खत्म कर देता हूँ और डिप्टी स्पीकर को इंचार्ज कर देता हूँ बजट के लिए। तो ये जो ऑर्डिनेंस ने सर असेंबली के इंतजामी अमूर को सेक्रेटरी असेंबली की बजाय सेक्रेटरी कानून के जिम्मे कर दिया है, ये अमल कैसा है? इस पे काफ़ी फर्क आ रहा है राय में, लोग कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये तो एक मार्शल लॉ के मुतरादिफ है ऐसा ऑर्डिनेंस। मेरे ख्याल में जी फ्रेंकली जामी साहब मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएं और जो असेंबली के इख्तियारात हैं या जो स्पीकर के इख्तियारात हैं वो इस तरीके से कमजोर या कम ना किए जाएं तो बेहतर है। ये जमहूरियत के लिए पार्लियामेंटी निजाम के लिए बेहतर है कि ऐसी सूरत हाल जो पैदा हो गई है इसको संभला जाए, जो पेचीदगी है वो कम की जाए, खत्म की जाए। इसकी एक बीच वाली राह भी निकाली, शामी साहब आज गुफ्तगू करते जस्टिस फकीर मोहम्मद साहब से, उन्होंने कहा कि गवर्नर छुट्टी पे चले जाते तो स्पीकर पंजाब असेंबली को कायम मुकाम गवर्नर बनना था, तो ऐसी सूरत में ये इस सब ऑर्डिनेंस की जरूरत ना पेश आती, ऐसी इख्तरा आपको कैसी लगती? मैं फकीर मोहम्मद खोखर साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बहुत एहतराम करता हूँ, मगर अगर वजीर आला उनको एडवाइस पेश करते एक्टिंग गवर्नर को परवेज अलाई साहब को कि जी आप इजलास तलब करें और वो उस एडवाइस पर 15 दिन बैठ जाते तो फिर क्या होता? सर ये लीजिए ये लीजिए सर, ये तो आ गया ना रद्दे अमल सर। चलिए वाकई अगर वो उस एडवाइस पे बैठ जाते तो फिर सूरत हाल क्या होती। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद हामिद साहब, बहुत